हेलो सर, कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर बालकॉक में आपको सिर्फ ओवरफ्लो की प्रॉब्लम आ रही है, ऑटो कट नहीं हो रहा है, आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ क्लीन करने के बाद सब कुछ ठीक से, सब कुछ ठीक है वाशर वगैरह, फिर भी ऑटो कट अगर नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और उसको आपको कैसे ठीक करना है वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए ये कैप लगा हुआ है, सबसे पहले आपको इस कैप को खोलना है। ठीक है, कहीं लॉक नहीं होता, ये इसी जो है ऊपर इस होल में फंसा दिया जाता है। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे एक लॉक पिन लगा हुआ है, प्लास्टिक का एक पिन, चिरा पिन लगा हुआ है। ठीक है, इस पिन को आपको बाहर निकालना है। सबसे मेन चीज़ देखिए, खोलते समय टूट जाता है, इसलिए मैं खोलने में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ताकि आपका खोलते समय टूटे ना। खुल गया तो फिर काम तो आसान हो जाता है। तो इस तरीके से आपको प्लास से इसको बाहर की तरफ खींचना है। खोलने का जो इंस्ट्रक्शन है उसको आपको प्रॉपर फॉलो करना है, क्योंकि आपका अगर टूट गया तो आपको फिर नया ही चेंज करवाना पड़ेगा। तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा जो है खोलने का जो प्रोसेस है, जो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ, इसको आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आप। ठीक है, देखिए हमने प्लास से खींचा, नहीं खुला। अब क्या करना है, अगर इस तरीके से प्लास से खींचने पे भी नहीं खुल रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें जो है देखिए, ये मैंने एक्स्ट्रा ब्लेड लिया हुआ है, इससे मैं इसको स्क्रेच करूँगा, थोड़ा खुरचूँगा तो गोल हो जाएगा थोड़ा, ये वहाँ पे एकदम धार सा बना हुआ है तो वो जो है बाहर नहीं आ रहा। आप चाकू वगैरह ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके से घुमा घुमा के आपको खुरचना है, इसको स्क्रैच करना है। ठीक है, थोड़ा गोल करना है उसको, क्योंकि वहाँ पे एकदम धार सा बन रहा है तो वो जो है बहुत टाइट हो रहा, खुल नहीं रहा है, तो इसलिए इसको आपको इस तरीके से घुमा घुमा के यहाँ पे किनारे से इसको घींचना है। चाकू ले लीजिए आप, धार वाली, प्लेन धार वाली चाकू ले लीजिए, उससे आप इस तरीके से इसको खुरच दीजिए, थोड़ा गोल हो जाएगा वो वहाँ पे, तो आसानी से खुल जाएगा। ठीक है, देखिए हमने इसको चारों तरफ से घुमा के थोड़ा थोड़ा स्क्रैच कर दिया है। ठीक है, बस उसके धार को ख़त्म करना है, जो इस पिन में लॉक पिन देख रहे हैं आप, इस पिन में जो धार है वहाँ पे, उसको हमें ख़त्म करना है, उसको गोल करना है। ठीक है, अब देखिए आराम से इसको पकड़ना है प्लास से और बाहर की तरफ खींचना है। देखिए हमने खींचा, ये आसानी से बाहर आ गया। हमने कहाँ पे खुरचा था मैं आपको दिखा दूँ, हमने यहाँ पे घिसा था इसको, इसको थोड़ा थोड़ा घिसना होता है, जो दिख रहा है एकदम से धार होता है इसमें तो नहीं खुलता है, नहीं तो आसानी से खुल जाता है। अगर ऐसा कभी हो, खुलने में बहुत टाइट, बहुत ज़ोर लग रहा हो, तो इस तरीके से देखिए जैसे ये है, इसको चाकू वगैरह से घिस दीजिए थोड़ा सा, तो आसानी से खुल जाएगा, क्योंकि बहुत ताकत लगेगा, आप बहुत ज़्यादा ताकत लगा के खींचेंगे तो उससे नुकसान भी हो सकता है, टूट भी सकता है, या आपका प्लास वगैरह कहीं लग जाएगा तो टूट जाएगा, सिस्टम में भी आपके प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, पहले तो ये देखिए, अब इसको खोलने के लिए आप पहले तो इसी से ट्राई करिए, देखिए आसानी से अगर इस तरीके से खुल जा रहा है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं खुल रहा है सब कुछ, तो इस पर आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है इससे। ठीक है, क्योंकि पानी का कई बार हार्डनेस वगैरह होता तो नहीं खुलता, जैसे मान लीजिए ताकत लगा रहे हैं आप, नहीं खुल पा रहा है, तो जो है मान लीजिए सपोज जैसे आपने इससे ताकत लगाया नहीं खुल रहा, तो अब इसी से आपको, ज़रूरी नहीं कि आप इसी से ताकत लगा के खोलें, इसको आपको हटा दीजिए। ठीक है, ये टूट सकता है, यहाँ से प्लास्टिक है, तो इसको खोलने का सबसे मेन चीज़ है आपको खोलने का तरीका देखना है जो हो जाए, क्योंकि खोलते समय टूट गया तो फिर सारी मेहनत बेकार। ठीक है, देखिए दो पिलर्स हैं, आपको लॉक करना है प्लास को यहाँ पे, इसके साइड में लॉक करना है, इस पिलर के साइड में आपको लॉक करना है। ठीक है, आपका सारा जोर इस पिलर पे पड़े, खोलते समय लगाते समय दोनों टाइम पे, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये दो पिलर्स बने हुए हैं प्लास्टिक के। अब देखिए इसमें है क्या, कि मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको कैसे आपको फंसाना है, अगर लगाना है और खोलना दोनों तरफ से। देखिए मैंने एक पिलर के एक साइड में एक मुँह किया प्लास का, ठीक है, ये प्लास का को मैंने एक साइड में
देखिए दोनों तरफ से लगा के दिखा दे रहा हूँ, खोलने और बंद करने का दोनों। यहाँ पे फंसाना है आपको प्लास इसके साइड साइड में, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आपको प्लास नहीं दबाना है। अगर आप यहाँ देखिए यहाँ दबाएंगे तो ये टूट सकता है, ये टूट जाएगा तो फिर आपका बेकार हो जाएगा ये। तो इसको देखिए यहाँ पे दबाना नहीं है आपको कभी भी ऊपर प्लास को रख करके इस तरीके से दबाना नहीं, नहीं टूट सकता है। और कभी भी खोलना है आपको तो प्लास को इस तरीके से पकड़िए और अंदर की तरफ दबा के प्रेस करके ऐसे ऐसे कस के आपको दबा के ऐसे प्लास को घुमाना है दबा के, ठीक है। प्लास को ताकत से नीचे दबा के फिर घुमाइए आराम से, ठीक है। बस उसको हल्का सा इशारे से पकड़ना है प्लास को और आसानी से इसको खोल लेना है। देखिए खुल गया। इसमें एक ब्लैक कलर का जो वाशर लगा हुआ है, सबसे पहले आप इसको साफ़ करेंगे किसी सॉफ्ट चीज़ से, जैसे ब्रश है टूथब्रश से मैं साफ़ कर रहा हूँ। इसमें आप टूथब्रश से साफ़ करेंगे, कपड़े से पोंछ सकते हैं इसको अगर ज़रूरत हो तो। हल्का सा आप जो है हल्का सा आरपी की 2 बूंद इस पर लगा के क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको साफ़ करना है और उसके बाद इस रबड़ को निकाल दीजिए आप। अब अंदर का भी आप पूरा क्लीन कर दीजिए। देखिए इसको रबड़ निकालते समय ये अंदर का हिस्सा है इसका और ये बाहर का हिस्सा है, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि अंदर का हिस्सा कौन सा बाहर का हिस्सा। बल्कि आप खोलते समय एक नोटिस ज़रूर कर लीजिए कि हमने खोला था तो ये वाशर कैसे लगा था, ऐसे लगता है वाशर। देखिए ये सही तरीका है, ये सीधा लगा हुआ है। अगर कहीं आपने पलट के लगा दिया, उल्टा लगा दिया तो दिक्कत आ जाएगी, तो उसको एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए कि सीधा लगा रहे हैं कि उल्टा। ये वाशर देखिए इस तरीके से ये सीधा है, ये हिस्सा बाहर है नीचे, तो ये जो है आपका सीधा है और अंदर का हिस्सा जो है वो गहरा होता है। तो वो हिस्सा आप देखना है आपको इस तरीके से, आपको पहले ये देख लेना है। वैसे वीडियो में तो जो दिख रहा है ये सही है, इसका पोर्शन सही है। देखिए इस तरीके से ये अंदर का हिस्सा है, ठीक है। तो जो गहरा है वो अंदर का हिस्सा है, जो उभरा हुआ है बाहर का हिस्सा है। तो इसको आप देख सकते हैं कि कैसे लगा था। तो ये वाशर का तरीका आपको देखना है सही से, ठीक है। बाकी इस वाशर को आप प्रॉपर चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ से भी इसको खूब अच्छे से आपको ब्रश से क्लीन करना है, कोई डस्ट कोई कचरा पानी का हार्डनेस साल्ट इस पर जमा हुआ ना हो, क्योंकि इस पर। और देखिए इसे धारदार चीज़ से इसको नहीं रगड़ना आपको, इसको हमेशा आप टूथब्रश या कपड़े से साफ़ करें। इस पर कोई भी ब्लेड या स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, चाकू इससे साफ़ मत करें, क्योंकि अगर आप इससे रगड़ेंगे तो इस पर स्क्रैच पड़ जाएगा। रबड़ आपका ये रबड़ का जो वाशर है ये ख़राब हो जाएगा। ये वाशर आपको देखना है कि कहीं कटा पिटा ना हो। ये वाशर अगर आपका बिल्कुल सही है, कहीं पे कोई कट फिट ना हो, ठीक है, तो ये आपका वाशर बहुत चलता है। वैसे मज़बूत बहुत होता है, मोटा भी होता है काफ़ी, जल्दी ख़राब नहीं होता। तो इसको आपको पूरा चारों तरफ से देखना है कि कहीं कटा पिटा ना हो। इसको किसी धारदार या लोहे की चीज़ से साफ़ नहीं करना है, ठीक है। पूरा चेक करना है इसको प्रॉपर, इस वाशर को आपको चेक करना है, एकदम क्लीन करना है टूथब्रश या कपड़े से। अब मैं इस सेकंड में इसको, अब ये जो है देखिए इसको पूरा क्लीन करना है आपको। इसमें ज़रूरत पड़े तो आप हार्पिक डाल सकते हैं, ठीक है। हार्पिक ले करके ब्रश में थोड़ा सा हार्पिक ले करके इस तरीके से पूरे पे हार्पिक लगा के 2-4 मिनट छोड़ दीजिए और फिर आप इसको क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें मैं आपको दिखा देना चाह रहा हूँ, इसमें एक पिन होल है, पिन होल का भी साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पिन होल बंद रहेगा तो पानी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से एयर निकलता तब पानी आता। तो ये पिन होल जो है आपको ऊपर से कहीं भी इस पर कट नहीं मारना है, कोई धारदार चीज़ से आपको साफ़ नहीं करना है। पिन होल एकदम साफ से ही, यहाँ से आप निडिल अंदर से सुई या कोई निडिल मतलब सेफ्टी पिन वगैरह से अंदर से धीरे धीरे आराम से साफ कर सकते हैं। सिर्फ पिन होल को क्लीन करना है, उस पर कहीं पे भी कोई स्क्रैच ना पड़े, क्योंकि ये जो पिन होल है एकदम ऊपर से जो है इसका प्लेन होता है। और देखिए ब्लैक कलर का ये वाशर लगा हुआ है, ये रबड़ का वाशर है, इसको भी आपको क्लीन करना है, ठीक है। इसके ऊपर भी कोई डिपोजिशन ना हो, पानी का साल्ट या कुछ कचरा इस पर भी नहीं होना चाहिए। इसको भी आपको प्रॉपर साफ़ करना है टूथब्रश वगैरह से,
ठीक है, ये भी रबर का। अगर ये वाशर ख़राब हो गया तो यहाँ से देखिए ऊपर से आप सेफ्टी पिन वगैरह से यहाँ से इस तरीके से सेफ्टी पिन डालेंगे या नीडल डालेंगे तो ये वाशर आपको बाहर आ जाएगा, इसको पलट सकते हैं आप। ठीक है, अगर अगर इधर इधर से ख़राब हो गया वाशर, कट गया है या गहरा हो गया ज़्यादा, तो यहाँ से आप सेफ्टी पिन या नीडल से इस होल में डालेंगे तो ये वाशर आपका बाहर निकल जाएगा। अब बाहर निकालने के बाद इस वाशर को आप पलट सकते हैं। ठीक है, ये वाशर यहाँ ख़राब होने के बाद इसको उल्टा कर दीजिए, पलट दीजिए निकाल करके, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे जल्दी ख़राब नहीं होता, लेकिन अगर इनकेस ख़राब हो गया, ठीक है, यहाँ पे कट फिट गया या सड़ गया आगे की तरफ, तो इसको पलट सकते हैं आप। ठीक है, और अब इसको आपको पूरा क्लीन करना है ठीक से। देखिए ये वाशर इस तरीके से बैठता है इसके ऊपर, इस पिन होल को ये बंद करता है इस तरीके से। देखिए यहाँ से बंद कर दिया तो एयर वैक्यूम बना देता है, फिर ये वैक्यूम बनता है तो ऑटो कट होता है। ये देखिए यहाँ से जब बंद करेगा तो एयर पास नहीं होगा, जब एयर नहीं कहीं से निकलने का चांस रहेगा तो ऑटोमेटिक ऑटो कट हो जाएगा, ये वैक्यूम क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये वाशर भी चेक करना है आपको, ये पिन होल साफ रखना है। ठीक है, वाशर ख़राब हो तो इसको पलट सकते हैं, देख सकते हैं आप इसको, इसको इस पिन होल पे ऊपर की तरफ से जहाँ पे रबड़ बैठता है यहाँ पे एकदम प्लेन होता है, यहाँ पे किसी भी धारदार चीज़ से यहाँ पे कट नहीं लगना चाहिए। अगर कट लग जाएगा तो वहाँ से एयर निकलेगा तो ये वाशर उसको पूरी तरीके से पैक नहीं कर पाएगा। देखिए इस तरीके से नहीं रगड़ना आपको, किसी भी ब्लेड से, किसी भी धारदार चीज़ से, लोहे से नहीं रगड़ना, सिर्फ आपको टूथब्रश वगैरह से हार्पिक लगा के साफ़ करिए, साफ़ हो जाता है। थोड़ा हार्पिक डाल दीजिए इस पर 2-4 बूंद और फिर साफ़ करेंगे तो ये पिन होल आपका प्रॉपर क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पिन होल भी आपको एकदम क्लीन रखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है ये सारी चीज़ें साफ करना है, क्योंकि पिन होल जो ये है इसके ऊपर अगर कहीं कट लग गया तो रबड़ का वाशर इस पर बैठेगा, लेकिन जहाँ पे कट लगा वहाँ से एयर पास करेगा तो ये जो है आपका पूरी तरीके से वो सील नहीं हो पाएगा, तो वहाँ से एयर पास होगा तो लीक करेगा, वैक्यूम नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए इसका लगाने का तरीका देख लीजिए, ये बाहर का हिस्सा है, आपने इसको क्लीन कर दिया, ये दोनों ये पार्ट पूरा क्लीन हो गया। अब मैं आपको दिखा देने जा रहा हूँ, देखिए इसमें ये जो यहाँ पे एक पिलर टाइप का दिख रहा है आपको प्लास्टिक का, इसमें नाले टाइप के बने होते हैं पतले पतले से, अंदर पानी जाने के लिए होता है। देखिए इसके किनारे किनारे, देखिए इसके किनारे किनारे यहाँ पे नाले टाइप का बना हुआ है, इसमें कचरा भर जाता है, तो इसमें कचरा भर जाता है तो आप सेफ्टी पिन वगैरह से इसको खुरच के साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, ये नाली साफ़ होना ज़रूरी है, क्योंकि पानी इससे जो है वाशर के अंदर जाता है, इसके अंदर देखिए नाली दिख रहा है आपको, दोनों साइड में बना हुआ है, क्योंकि इससे पानी अंदर जाता है, और जब वाटर देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये नाखून देखिए, नाखून मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ और यहाँ पर फंस रहा है, तो ये जो है आपको इस तरीके से सेफ्टी पिन वगैरह से ये पूरी तरीके से इसको साफ़ करना है दोनों साइड से, क्योंकि पानी ज़्यादा जाएगा तो प्रॉब्लम है, कम जाएगा तो प्रॉब्लम, लेकिन दोनों का रिपेयरिंग का वीडियो है मेरे चैनल पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो सब ठीक हो जाता है। तो ये देखिए इस नाली को जो है साफ़ करना है, देखिए इसमें बना हुआ है पूरा प्रॉपर, इसमें कोई कचरा वगैरह नहीं बैठना होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें डस्ट जमा रहेगा, पानी नहीं जाएगा, तब भी ऑटो कट नहीं होगा। और एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता देना चाहूँ, पानी का प्रेशर बहुत कम होगा तो भी ऑटो कट नहीं होगा, क्योंकि इस नाली से जब पानी अंदर जाता है, यहाँ भरता है और ऊपर से पिन होल बंद हो जाता है, तो वो क्या करता है, वाशर को नीचे की तरफ जो है प्रेस करता है और नीचे ऑटो कट हो जाता है। तो ये जो नाली है इसको पूरी तरीके से आपको क्लीन करना है, इसको पूरा क्लीन करना है अच्छे से, अगर ऑटो कट नहीं हो रहा है तो पूरा क्लीन करना होता क्या। देखिए इस रबर का जो ये
होल बना हुआ है। देखिए ये नालियाँ, देखिए दोनों साइड में कट दिख रहा है, ये कट जो है पूरी तरीके से एकदम क्लीन होना चाहिए, इसमें कुछ फंसा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, इसके अंदर से पानी जाता है इसमें, और पानी भरता है तो ये वाशर को इस तरीके से बाहर की तरफ फेंकता है, ठीक है, अंदर लगा हुआ तो वो जो है ऑटो कट हो जाता है, पानी को ब्लॉक कर देता है। देखिए देख रहे हैं आप, इसमें देखिए ये पूरा एकदम क्लीन करना है, इसको बहुत ध्यान देना है आपको कि ये जो नाली बनी हुई है ये पूरी तरीके से क्लीन होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये एकदम साफ़ करना है आपको, ज़्यादा पानी जाता है तो पिन होल से ज़्यादा पानी निकलता है, उसका वीडियो भी है मेरे चैनल पे, कम पानी जाएगा तो ऑटो कट नहीं होगा, प्रेशर कम होगा तो भी नहीं होगा, बहुत प्रेशर कम होगा तो नहीं होगा। देखिए इस तरीके से, जैसे ये यहाँ से ये बंद किया इसने, ऐसे यहाँ पे जब ये रबड़ ने सील किया तो क्या होता है, जैसे ये सील किया तो इस यहाँ से इस तरीके से सील किया तो इसके अंदर से पानी इस वाशर के अंदर भरता रहता है और ये इस तरीके से बाहर आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको जो है सील कर देता है, ब्लॉक कर देता है पूरा, तो ऑटो कट हो जाता है, तो ये चीज़ भी ध्यान देना। चलिए अब इसको भी निकालते हैं और इसको भी क्लीन करके बताते हैं आपको। पार्ट वगैरह टूटा फूटा ना हो, रबड़ वगैरह कटा पिटा ना हो। देखिए यहाँ से पेचकस हमने फंसाया हल्का सा और ये ऊपर की तरफ खींचा हमने, पेचकस ना फंसे तो कोई भी टेढ़ा चीज़ लेके आप फंसा के खींच सकते हैं। इसको पूरा हमने निकाल दिया, कई बार नहीं निकलता है तो कोई इशू नहीं, हाथ पे वगैरह डाल के थोड़ी देर छोड़ सकते हैं इसको। देखिए इस तरीके से ये वाशर ब्लैक वाला, आप इसके अंदर देखिए यहाँ पे वाश पानी इसके अंदर से जाता है, ठीक है, पानी इसके अंदर से जाता है और ये देखिए वाशर आप देख पा रहे होंगे, ये वाशर जो है यहाँ पे इसको सील कर देता है, ठीक है, यहाँ से सील कर देता है इसको। तो ये भी जो है आपको देखिए यहाँ पे भी इसको भी पूरा बहुत अच्छे से क्लीन करना है आपको। एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी खुरचना नहीं, किसी भी पेचकस या ब्लेड से खुरचना नहीं है आपको, ये क्लीन करना है पूरा, सॉफ्ट चीज़ से आप करें, हल्का हल्का, अगर आपको ज़्यादा है तो ये देखिए ये रबड़ लगा हुआ है, ये तो आपको हाथ से या कपड़े से ही साफ़ करना, हाथ से साफ़ करिए सबसे बेटर है, ठीक है, हाथ से हल्का हल्का रगड़ दीजिए, क्लीन हो जाता है इस तरीके से, कट्टा फिटा ना हो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको क्लीन कर लीजिए, ब्रश से क्लीन कर लीजिए। खैर ये रबड़ तो अगर आपका कट फिट भी गया है, कट भी गया है तो भी कोई इशू नहीं है, ऊपर वाला काला वाला रबड़ जो है वो अगर ठीक है तो मैं इस वीडियो में जो बताऊंगा वो चीज़ आपको करना है, वैसे अगर ये रबड़ ठीक है तो फिर ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसको इस तरीके से पूरा एकदम क्लीन करना है और कहीं पे भी आपको ज़बरदस्ती खींचना नहीं है, नहीं तो कटेगा वाशर, कहीं फट जाएगा तो दिक्कत होगी। देखिए ये प्लेन होता है एकदम, इस पे भी कहीं पे आपको रगड़ना घिसना नहीं है किसी धारदार चीज़ से, इसको भी आपको टूथब्रश से पूरा क्लीन करना है। इसके ऊपर कोई भी हार्डनेस, कोई साल्ट टाइप का वाटर का हार्डनेस, ठीक है, कोई कचरा डस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी पूरा आपको क्लीन करना है, ये क्लीन कर, ये वायरिंग जो है ये देखिए ब्लैक कलर के दो रबर के वाशर लगे हुए हैं, ये रबर के वाशर भी आपको वायरिंग जो है इसको भी चेक करना है, साफ़ कर लीजिए, रगड़ना नहीं है किसी चीज़ से, ठीक है, क्योंकि आपका सारा मेहनत बेकार जाएगा, आप लोहे वैसे रगड़ देंगे किसी चीज़ से साफ़ करने के लिए, प्लास्टिक से रगड़ सकते हैं जिसमें धार ना हो, और फिर इसको जो है इसके अंदर इस तरीके से सेंटर में करके इसको नीचे की तरफ आराम से पूरा प्रेस करना है नीचे, और ये देखिए बैठ गया पूरा, ठीक है। सब कुछ कर लिया हो आपने, सब कुछ क्लीन हो गया हो, ये वाशर सब कुछ कर लिया आपने, सपोज़ आपने सब क्लीन कर लिया, सब कुछ इसका जितना अभी तक देखा आपने सब कुछ कर लिया, फिर भी ऑटो कट नहीं हो रहा, अगर ये भी साफ़ हो गया, ये भी साफ़ हो गया, सब कुछ कर लिया आपने, ये भी क्लीन कर लिया आपने,
उसके बाद भी अगर ऑटो कट नहीं हो रहा है तब आपको लास्ट में क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ये भी आपने क्लीन कर लिया सब कुछ करने के बाद अगर नहीं हुआ तब आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पहले तो आपको सब कुछ क्लीन करके लगाना है, अगर कट ऑटो कट हो गया तो ठीक है, ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी अगर नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, देखिए टेफ्लॉन टेप है, थोड़ा सा टेप आपको लेना है और एक ओरिंग बनाना है, इस टेप से एक ओरिंग बनाना है। बहुत ज़्यादा टेफ्लॉन टेप नहीं लेना है, थोड़ा सा छोटा सा लेना है, देखिए ये टेप लेना है। ये आपको तब करना है जब लगा के देख लीजिएगा, इतना बड़ा टेफ्लॉन टेप हमने ले लिया, इसका हमें एक ओरिंग बनाना है गोल। सब कुछ करने के बाद अगर नहीं हो पा रहा है तब आपको ये तरीका अपनाना है, ठीक है। नहीं तो वैसे मोस्टली हो जाता है, क्लीन करके ही ठीक हो जाता है, लेकिन अगर सपोज़ नहीं हो पा रहा है तब आपको ये ओरिंग बनाना है इस तरीके से। और ओरिंग क्या कैसे करना है ये तो हम इस रबड़ के ऊपर इसलिए लगा रहे हैं वाशर के ऊपर ताकि ये उस साइज़ का ओरिंग बन जाए। तो इसमें फॉलो करिएगा आप कि ये मैं कैसे बना रहा हूँ इसको, ये देखना है आपको। देखिए यहाँ पे हमने इसको जो है इसके ऊपर से घुमाना शुरू कर दिया और दोनों उंगलियों के बीच में टेफ्लॉन चल रहा है, नहीं तो ये जो है इतना मोटा थिकनेस नहीं है उसका, वो रुकेगा नहीं उसके ऊपर, ठीक है। ये देखिए हमने इसको यहाँ पे लपेटना शुरू कर दिया, ये टेफ्लॉन जो है ये हम इसके ऊपर लपेट रहे हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप इस वाशर के ऊपर जो है किनारे किनारे इस तरीके से हमें लपेटना है इसको। और देखिए दोनों उंगलियों के बीच में मैं कैसे इसको चला रहा हूँ वो चीज़ आप फॉलो ज़रूर करिएगा, नहीं तो बनाने में आपको बहुत दिक्कत होगी, बना नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल हमने जो है वाशर को पकड़ रखा है और दोनों उंगलियों के बीच से उसको रगड़ रहा हूँ। देखिए बड़ा हो गया टेफ्लॉन, ज़्यादा हो गया तो इसको हमने ऐसे तोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसके ऊपर, ये इसके ऊपर सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं हम कि ताकि उस साइज़ का एक ओरिंग हमारा तैयार हो जाए। तो ये वाशर हमें बनाना है, लास्ट में जब आपका सब करने के बाद एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, अगर ऑटो कट हो रहा है तो ये सब करने की ज़रूरत, ये ओरिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो तब ज़रूरत पड़ता है जब आपने सारा कुछ ट्राई कर लिया, क्लीन कर लिया, फिर भी ऑटो कट नहीं हो रहा, फिर भी ओवरफ्लो कर रहा है, तब आपको ये चीज़ जो है ये वाशर बना के लगाना है। किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाता है तो ठीक है। देखिए ये ओरिंग बन गया और ये ओरिंग को जो है हमें, ये देखिए जो ये ग्रिप कटा हुआ है, सॉरी ये जो ग्रुप कटा हुआ है ना, इस ग्रुप में डालना है, ठीक है। इसके अंदर वाशर लॉक होता है, जो रबर का काला वाशर है वो इसके अंदर फंसता है, तो उसको जो है हमें थोड़ा सा बाहर करना है। तो उसके लिए हमें ये ओरिंग बना के एक डालने की ज़रूरत पड़ रही है, इस तरीके से हमें इसको डालना है इसके अंदर, ठीक है। वाशर के ऊपर हमने इसलिए लपेटा था कि इसके साइज़ का वो ओरिंग हमारा बन जाए, छोटा बड़ा ना हो, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। तो इस तरीके से आपको जो है इसमें भरना है। ये टेफ्लॉन टेप का हमने एक वाशर बना दिया और इसमें हमने उस वाशर को पूरा प्रॉपर तरीके से अंदर इसके अंदर डाल दिया, ये जो ग्रुप कटा हुआ है इसके अंदर हमने डाल दिया। अब क्या करना है हमें, ये वाशर हमें इस तरीके से फिर से लगाना है। देखिए वाशर बाहर भी आ गया है, ठीक है, लगभग एक डेढ़ एम एम दो एम एम के आसपास, डेढ़ दो एम एम के आसपास बाहर आ गया, ठीक है। वाशर देख पा रहे होंगे आप, तो इस तरीके से आप इसको ओरिंग लगा दे, ऑटो कट होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉपर वर्क करेगा, सब कुछ अच्छा नॉर्मल चलेगा ये, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा जैसे ये पिन होल है ना, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इस साइड में नहीं होगा, पीछे की तरफ होगा, तो ये आप ज़रूर नोटिस करिएगा। नहीं उल्टा लगाने पे कई बार आदमी उल्टा लगा देता है और फिर उसके बाद काम नहीं होता, फिर वो परेशान होता है क्यों नहीं हो रहा, फिर से खोलो फिर से करो, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और इसको इस तरीके से प्लास से रगड़ना, दबाना है अंदर की तरफ, इसको प्लास को इस तरीके से अंदर की तरफ इसको जोर लगाना है,
जोर लगा के इस तरीके से हल्का सा धीरे से देखिए घुमाना है आपको, बस इस तरीके से घुमाना है, क्योंकि अंदर की तरफ जोर लगा के घुमाएंगे तो इस पे जोर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए बैठ गया पूरा प्रॉपर फिट हो गया ये, और ये जो है आपका इसके अपोजिट में देखिए, ये ध्यान रखिएगा इसके अपोजिट में है ये पिन होल, पिन होल आपका इस तरफ नहीं रहेगा, ठीक है, आप ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वापस इसको जो है आपको इस तरीके से सेम वही जैसे आपने खोला था उसी तरीके से फिर से आपको इसको फिट करना है, और इसके अंदर ही देखिए यहाँ पे पिन होल आपको फंसाना है, ठीक है। तो किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसे मैंने अलग अलग टाइप्स के अलग अलग सिम्टम, अब एक इनलेट वाल में मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि छः तरीके से आप इसको जो है छः तरीके की प्रॉब्लम आती है इसमें, ठीक है, छः सिम्टम्स होते हैं इसमें, छः तरीके के छः पाँच छः तरीके से ये रिपेयर होता है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो सर्च कर सकते हैं, नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिए ये इतना लूज़ रहेगा ये, अगर सपोज़ ये जो है आपका इस तरीके से इतना लूज होना चाहिए, क्योंकि पानी ये वाशर जो है जैसे देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ इसको बंद कर रहा है ये पिन होल के ऊपर होना चाहिए वाशर, पिन होल अगर वाशर दबा रहेगा तो भी जो है पानी नहीं आएगा, ओवरफ्लो तो नहीं होगा, पिन होल अगर ब्लॉक है, पिन होल अगर आपका बंद है इसका, तो पानी नहीं आएगा, उससे ये हो सकता है, ठीक है। बाकी वैसे पिन होल कभी जल्दी बंद होता नहीं है प्रेशर से पानी, देखिए इस तरीके से हमें रॉड को अगर टाइट कर दिया ज़्यादा, तो देखिए यहाँ पे पिन होल आपका ये रबड़ ने इसको सील कर दिया है, दबा दिया है, रबड़ ने इसको बंद कर रखा है जो वाशर लगा है, तो वाशर की वजह से अगर बंद हो रहा है, इसमें प्ले होना चाहिए, इसमें प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लूज करके इस तरीके से घुमाइए इसको और ढीला करिए इसको, देखिए इतना ऊपर रखिए इसको, जो अंदर वाला बाउल है उसको आप इतना 2-4 mm जो है ऊपर रखिए, ताकि देखिए यहाँ पे ये पिन होल बंद नहीं होना चाहिए, तभी बंद होना चाहिए जब ये उठे, ठीक है, और तभी उठेगा वो जब उस वहाँ तक पानी पहुँचेगा, तो ये पिन होल जो है आपको बंद नहीं होने देना है। देखिए इस तरीके जब उठने के बाद बंद हो रहा है तो ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।